सितंबर 2013 में सीएनआई इलीगल है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक ऑर्डर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इस चीज को माना है तो फिर आप 50वीं सालगिरह कैसे मना सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे हम तो 100 ईयर भी करेंगे, है ना, सेंटिनियल भी करेंगे, हम गोल्डन जुबली भी करेंगे, 75 ईयर्स भी करेंगे। दोस्तों बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे हैं, एमआरबी की सेक्रेटरी रचना सिंह, जिसका जिक्र बार बार हमने आपको किया है पीसी सिंह जबलपुर सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़े मामलों में भी पीसी सिंह की सबसे करीबी बताई जाने वाली रचना सिंह, पीसी सिंह खुद एंटीसिपेट्रिक बेल पे बाहर हैं, वो खुद जेल की सजा काट चुके हैं और अभी बेल पे बाहर हैं, उसके सबसे करीबी बताई जाने वाली रचना सिंह, उसके ऊपर 9 फरवरी 2023 को, यानी कि 9 फरवरी को उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है नागपुर के सदर पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, एफआईआर दर्ज करने वाले प्रशांत सत्रारकर इनका नाम है और इन्होंने 2019-20 में ही कंप्लेंट किया था, लेकिन अभी तक इसमें मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन कोर्ट का आदेश के अनुसार सदर पुलिस स्टेशन में इन पे मामला दर्ज हुआ है। लगभग 7 धाराएं आप पे दर्ज हुए हैं, क्या आपको मालूम है कि ये कंप्लेंट कब की गई थी आपके खिलाफ? इसकी जानकारी नहीं है, ये भी एक्स पार्टी जजमेंट। मैं बताता हूँ, ये कंप्लेन आपके खिलाफ अगस्त 2020 में की गई थी। अच्छा, और जिसका एफआईआर आज दर्ज हुआ है जी, तो क्या आपको मालूम है कि अगस्त 2020 में कंप्लेन किया गया और आज 9 फरवरी 2023 को, यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुआ, क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अब ये बात तो है कि बड़ी दुख की बात है कि वो एफआईआर मतलब दर्ज हुआ है जी, वो भी उन व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी जी गोल्डन जुबली बनाने के लिए। ओके, अब उसके बाद ये जो कंप्लेन हुई है जी, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, और जो एफआईआर हुआ जी, अब वो मैं इसके लिए कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि ये मैटर फिर सब जुडिस्ट है जी, मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। रचना सिंह उनके साथियों पे जो मामला दर्ज हुए हैं उसकी कॉपी, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसमें धारा 420 सबसे पहली धारा लगी हुई है आईपीसी की, जिसमें 420 यानी कि फ्रॉड करने का एक धारा होती है जो आप भी समझ रहे होंगे, जो 420 के अलावा 420, 465, 467, 468, 469, 120B and 34, इन धाराओं के तहत रचना सिंह व उनके साथियों पे मामला दर्ज हुआ है, बहुत गंभीर धाराएं हैं और इस पे कभी भी रचना सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एफआईआर क्यों हुआ, क्योंकि 2019 नवंबर में 3 दिवसीय, लगभग 3 या 4 दिनों का एक प्रोग्राम था जिसे सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के गोल्डन जुबली के नाम पर मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, और इसमें इन्हें चैरिटी की तरफ से जो जानकारी है उसमें 80 लाख रुपए ही खर्च करने की या फिर कलेक्ट करने की परमिशन मिली थी, लेकिन इस प्रोग्राम में 1.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गोल्डन जुबली का खर्चा 1.38 करोड़ रुपए था क्या? हाँ था ना, और आपको परमिशन 80 लाख रुपए जमा? नहीं, परमिशन उसकी नहीं थी, परमिशन 7C के अंतर्गत में आप प्रोग्राम कर सकते हैं और कलेक्शन कर सकते हैं। जो बिशप आए थे उन्हें VVIP ट्रीटमेंट दिए गए। दोस्तों इसमें धर्म के नाम पे, संस्था के नाम पे, धार्मिक भावनाओं में बहकर गरीब लोगों ने भी 2,000, 5,000, 10 रुपए तक डोनेशन अपने धर्म के लिए किया है। तो क्या उन गरीब का डोनेशन रचना सिंह और उनके साथियों ने जो इस प्रोग्राम किया गोल्डन जुबली और VVIP ट्रीटमेंट दिया, क्या उनके VVIP ट्रीटमेंट के लिए इन गरीबों का पैसा कलेक्ट किया गया था? मैम, गोल्डन जुबली बहुत अच्छे तरीके से CNI ने आप लोगों ने उन्हें सेलिब्रेट किया जी, यानी कि 50वीं सालगिरह आपने उन्हें मनाया जी, ऐसा बोल सकते जी। आप आज के एफआईआर में एक चीज और मेंशन थी कि सितंबर 2013 में CNI इलीगल है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक ऑर्डर दिया है जी, जिसके जजमेंट कॉपी भी हमारे पास है। तो अगर 2013 में CNI इलीगल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इस चीज को माना है, तो फिर आप 50वीं सालगिरह कैसे मना सकते हैं? अगर वो पिछले 10 साल लगभग 9-10 साल पहले अगर वो चीजें लीगल सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो ये एक ही केस है, मालविया केस जिसे हम कहते हैं जी, और ये बिल्कुल इसके ऊपर भी बहुत से केसेस हुए हैं जहां CNI के फेवर में सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है, उसकी कॉपी मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है कि हम ये क्यों नहीं सेलिब्रेट, क्यों नहीं करेंगे हम तो 100 ईयर भी करेंगे,
है ना, सेंटिनियल भी करेंगे हम, गोल्डन जुबली भी करेंगे, 75 इयर्स भी करेंगे, बिकॉज सीएनआई इज अ ब्यूटीफुल चर्च। सवाल ये भी उठता है कि इनके जो सीनियर सदस्य हैं, जो पीसी सिंह ऑलरेडी जो जेल में अभी बाहर एंटीसिपेटेड बेल पे बाहर हैं, उनके जैसे जो भी हायर लेवल के जो सदस्य हैं, उन्हें सूत्रों से जो खबरें आई हैं, हम इसमें पुष्टि नहीं करते हैं, कि उन्हें गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग तक गिफ्ट दिया गया था। माना जाता है कि क्रिश्चियन एक शांति प्रिय धर्म है, समुदाय है, और बहुत शांति से लोग रहते हैं, ईमानदारी से लोग रहते हैं। लेकिन ईमानदारी का इतना बड़ा सबूत हमारे सामने है कि इनके सीनेट सदस्य जेल में रहते हैं, और उनके सबसे करीबी रचना सिंह बताई जाती है, उनके साथियों के ऊपर सबसे पहला मामला जो दर्ज हुआ है 420 जैसा कि हमने आपको बताया, वो दर्ज होता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये पीसी सिंह जबलपुर में एकदम हायर मेंबर, वो भी जेल काट के, ये जिस व्यक्ति ने एफआईआर किया है जी, वो ही उसी व्यक्ति के बारे में मैं बात करूंगी, क्योंकि आपने मेरे को क्वेश्चन उसी व्यक्ति के लिए, मैं बता रहा हूँ कि आपके, तो मैं वो दूसरा टॉपिक, जेल आना जाना बड़ा कॉमन हो गया है, जेल आना जाना कॉमन हो गया है, उसके लिए भी मैं कुछ बोलूंगी नहीं। गोल्डन जुबली के नाम पे लाखों की ठगी होती है, और इस गोल्डन जुबली में नागपुर का जाना माना कॉलेज हिस्लॉप कॉलेज, जिसे सभी जानते होंगे, हिस्लॉप कॉलेज में लगभग 17.5 लाख रुपए खर्च किए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, कॉलेज है, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में सभी धर्म के लोग वहाँ पढ़ते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 17.5 लाख रुपए का भुगतान हिस्लॉप कॉलेज करे कहीं ना कहीं से उचित नहीं लगता है, क्योंकि इसमें होटल सेंटर पॉइंट, होटल हेरिटेज और होटल रेडिशन ब्लू, नागपुर का जाना माना होटल है, और इसका भुगतान हिस्लॉप कॉलेज ने किया है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। इनके बैंक से जो डेबिट हुए हैं वो जानकारी भी हमारे पास है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 17.5 लाख रुपए डेबिट हुआ गया, किया गया। हिस्लॉप कॉलेज की तरफ से इसमें कुछ डोनेशन दिए गए थे, एक अच्छा खासा। सभी संस्थाओं ने नहीं, हिस्लॉप का काय को कहेंगे हम जी, व्हाई हिस्लॉप, नहीं हिस्लॉप से 17.5 लाख रुपए इसमें दिए, ऐसा सुना। बाकी संस्थाओं ने भी दिया है क्या? सभी ने इसी तरीके का अमाउंट दिया है, 15 लाख 17 लाख? उतना नहीं दिया है, ट्रस्ट एसोसिएशंस ने दिया है, एजुकेशनल ट्रस्ट ने दिया है। देखो जब कार्यक्रम होता है जी, तो सभी लोग देते हैं। दूसरी बात कि इस गोल्डन जुबली में लगभग 1000 लोगों ने पूरे 3 से 4 दिन में खाए होंगे नॉनवेज, और इस नॉनवेज कितना खाए होंगे 1000 लोगों ने, आप कल्पना कीजिए। तो यहाँ पे 700 kg मटन मंगाया गया, जिसका बिल हमारे पास है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, यानी कि 1000 लोग 700 किलो मटन खाते हैं। एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि हास्यपद भी है, हंसने वाली भी है। तो गोल्डन जुबली में लाखों का घोटाला किया धर्म के नाम पे, कितना सच है नहीं है, ये आने वाले समय में ज़रूर हम आपको लेकर आएंगे। रचना सिंह से हमने इंटरव्यू लिया है, बातचीत किया है, अलग अलग विभिन्न मुद्दों पे, हर सवाल हर जवाब हम आपको लेकर आते रहेंगे, बताते रहेंगे, और इसके लिए आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे। जय हिंद।